तो कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम स्कॉर्पियो चोरी करने वाले, महिंद्रा की स्कॉर्पियो। अब हाँ, चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा नहीं है। और हाँ, हम कार को शोरूम से चोरी करने वाले हैं। मैं गरीब हूँ तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं अंडरग्राउंड में, और यहाँ पर पहले हमें दोस्त की कार लेनी होगी। उससे पहले हमें अपना रूप चेंज करना होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो यहाँ पर हमने अपना रूप बदल लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें कोई नहीं पहचानेगा, तो यहाँ पर फटाफट इस कार में बैठते हैं और सीधा चलते हैं शोरूम की तरफ। तो गाइस, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या जरूरत पड़ गई चोरी करने की, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा था। क्या हुई? लेकिन गाइस, वो टाइम अलग था, अब टाइम बदल चुका है। अब भाई चोरी करनी पड़ेगी, तो शोरूम की लोकेशन यहाँ पर लगा लेते हैं। शोरूम हमारे पास ही है, मतलब शोरूम पास नहीं है, हम शोरूम के पास आ गए हैं क्योंकि हमें चोरी करनी थी। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है हमने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो, किसी को बताना मत मैंने चोरी की है। मगर क्यों? वरना देखो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, किसी को मत बताना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, बस आपको पता है, मेरे को पता है। तो गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि हमारा जो शोरूम है वो तो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर पुलिस वाला भी था, लेकिन अभी पीछे नहीं पड़ेंगे। कार चोरी करने के बाद हमारे पीछे बहुत पुलिस वाले पड़ेंगे। तो गाइस, अभी इस कार को पार्क करते हैं। और ये जो कार है हमारी नई है, हमने किसी बंदे कार चोरी की थी। अगर अपनी कार लेकर यहाँ पर आते तो वापस ले जाने वाली दिक्कत होती, इसलिए हमने वहाँ पर किसी बंदे कार चोरी कर ली थी। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब इन बातों को छोड़ो, सीधा चलते हैं शोरूम में। और जैसे ही मैं शोरूम में जाता हूँ, यहाँ पर क्या देखता हूँ, यहाँ पर कोई है ही नहीं, ना मैनेजर है ना वर्कर है, लगता है सब चाय पानी पीने चल गए। और हमारे जो स्कॉर्पियो है वो ऊपर वाले माले पर है। तो ये रही ब्लैक कलर में भाई, मतलब गैंगस्टर एसयूवी। वाओ, ये हमारी स्कॉर्पियो S11 है, और इसे हमें चोरी करके भागना है यहाँ से। तो देखो, नीचे से जा नहीं सकते, सामने शीशा लगा, उसे तोड़ कर ही जाना पड़ेगा। तो यार, अरे भाई भाई, पलटी मत खा जाना यार, इतनी मुश्किल से चोरी किया। अरे हो जा। हाँ चलो, हो गई, भगवान का शुक्रिया कि हमारी कार यहाँ पर सीधी हो गई है। अभी हमें यहाँ से फटाफट जाना होगा, क्योंकि अभी पुलिस वाले पीछे लगेंगे, और हमें जाना है यहाँ पर पेन स्प्रे पर, ताकि हम अपनी कार का कलर और जो नंबर प्लेट होती है उन्हें चेंज करा ले, जिससे पुलिस वाले हमारे पीछा छोड़ दे। देखो, अभी पीछे पड़ चुकी है, 2 स्टार यहाँ पर हमारे लग चुके हैं, पुलिस वाले पीछे आते होंगे। तो यहाँ पर हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा। और देखो, कार काफ़ी डैमेज भी होगी, ये चीज़ मेरे को पता, लेकिन रिपेयर करा लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर फटाफट निकलना होगा। अरे यार, ये खंभे किसने लगाए साइड में? तो यार, अभी देखो पुलिस वाले, मेरे को लगता नहीं है पीछे आ रही हैं क्या। देखो यार, पीछे देख भी नहीं सकता, अगर पीछे देखा तो मेरे कार ऐसे भी बहुत ठुक रही है, पीछे देखूंगा बहुत ज़्यादा ठुक जाएगी। अरे यार, ठुक चुकी। अरे आ रही है, मेरे को लगा पीछे नहीं आ रही, लेकिन भाई आ रही है। यार जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा कैसे भी करके। तो यहाँ से यार, ये रास्ता सही है कि नहीं है मेरे खुद को नहीं पता, लेकिन यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा। तो भाई, पुलिस वाले बड़े खतरनाक है यार, पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और लेकिन हमारी स्कॉर्पियो है डैमेज तो हो चुकी है, इसीलिए गाइस मैं आपको कहता हूँ, चोरी करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। आप देख सकते हो भाई, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, यहाँ से कितनी कार चलानी पड़ रही है, मतलब बहुत मेहनत का काम है भाई, चोरी करना आसान नहीं है। और अरे, मेरी कार पलटी खा गई भाई। यार ये पुलिस वाले, देख मैं तेरे को मारूंगा, अभी सही से बता रहा हूँ, तो मेरा पीछा छोड़ दे। अरे यार, ये पुलिस वाले बड़े खतरनाक, देखो दो दो कार पीछे आ रही हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक ड्राइवर है, यहाँ से अभी फटाफट निकल जाएगा। भाई यार, इन पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग है काफ़ी खतरनाक दी गई है, भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहे, ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे कोई कुत्ते हड्डी के पीछे पड़ रहे हैं भाई, मतलब यार थोड़ी बहुत शर्म करो यार। चलो, 1 स्टार हटा, लगता है मेरी बातों का असर पड़ रहा है इन पर। तो यहाँ पर फटाफट इधर घुमा लेते हैं। अब वहाँ पर हम नहीं जाएंगे गाइस, हमारी जो डेस्टिनेशन है बदल चुकी है, क्योंकि यार क्या करेंगे, बहुत दूर है। अभी 1 स्टार देखो, वो भी गायब हो चुका है। तो फाइनली हमारे जो पीछे पुलिस पड़ी थी वो यहाँ पर हट चुकी है, उन्होंने हमारे आगे हार जोड़ ली, और मैंने भी उनको माफ़ कर दिया। ठीक है यार, हो जाती है कभी कभी चोरी, छोड़ो माफ़ कर दो, मतलब उन्होंने कहा मेरे को। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो गाइस, मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम एक शोरूम खोल लेते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे, गरीब साले कार तो चोरी कर रहा है और शोरूम खोलेगा, अरे तो कार इसीलिए चोरी कर रहा हूँ ताकि शोरूम में खड़ी क्या करूँगा फिर, बताओ, कार ही तो खड़ी करूँगा। तो गाइस, हमारा जो मिशन था स्कॉर्पियो को चोरी करने का, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, अब मैं आपको कार का एक और व्यू दिखा देता हूँ, पूरी कार दिखा देता हूँ कैसी हमारी स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। तो चलिए आप देखिए। अगर आप भी स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।
तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी ऑल पर सेट कर ले जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।